आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नियमावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रेसवार्ता की। कि हम लोग पिछले 5 महीने से ये मतदाता पुनरीक्षण का अभियान हम लोग चला रहे हैं। 6 स्पेशल डेज दिए हैं, 2 बार महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए स्पेशल डेज आयोजित किए हैं, 4 बार जो मतदाता सूचियों के रीडिंग के लिए व्यवस्था किया है, और बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, BLOs और बूथ लेवल एजेंट्स के साथ 2 विशेष रूप से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बहुत ही हम लोगों ने सिस्टमेटिकली बैठक कराया, और इनफॉर्मली DMs को हमने बहुत बार कहा था, वो लोग अपने लेवल पे बहुत बार बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया, और बूथ लेवल एजेंट्स के साथ और BLO के साथ बहुत सारे बैठक भी किए हैं, और आप लोगों के साथ भी मैंने अपने लेवल पे बैठक किया और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, यहाँ पे स्टेट लेवल पे हम लोगों ने 3 बार बैठक की इस अभियान के दौरान, और DMs को उनको हमने लगातार इसको निर्देश भी किया, वो भी उन लोगों ने भी किया, हमने भी कुछ जिलों में जाकर स्वयं भी देखे हैं। तो कुल मिला के इस पूरी अभियान में, ये अभियान की शुरुआत में हमारा जो है 14 करोड़ 19 लाख हमारे वोटर्स थे, अब जो है वो बढ़ के 14 करोड़ 40 लाख हुआ है, करीब 45 लाख नए वोटर जुड़े हैं और करीब 23 लाख नाम घटे हैं इसमें। आप सब लोग मिल के वी शुड डिलीवर ए वेरी गुड इलेक्शन। हमारे इलेक्शन को केवल हम ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और डेमोक्रेसी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सब लोग के लिए हम लोग एक क्यूरियसिटी का इशू है कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के, इतनी समस्याओं के बावजूद भी यहाँ पे क्या कि EVM को ऐसे हैक किया जा सकता है, तो EVM की क्रेडिबिलिटी फिर से सवालों के घेरे में है। इलेक्शन कमीशन पर बड़ी जिम्मेदारी है। आप जो EVM और EVM पैड के बारे में, हालांकि आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी, हम लोग पूर्व में भी हम लोगों ने इसको मीटिंग किया, और ये गलतफहमी दूर करने के लिए और हम लोग व्यापक रूप से इसको अभियान चला रहे हैं, और आप लोगों को ये हम लोग करीब 30 साल से EVM को इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हर चुनाव में एकदम सही रिजल्ट दिया है, और आप लोगों को जो बेसिक उसकी जो टेक्निकल पैरामीटर है, EVM जो है ये हार्डवेयर मशीन है, वन टाइम प्रोग्रामिंग है, ऐसा कोई हवा में बैठ के कोई उसको रिजल्ट बदलने का, उसको छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये बहुत बार कहा गया है, इलेक्शन कमीशन भी इसको चैलेंज कर कहा गया, आओ कोई करके इसको दिखाए, तो ये उसको उस तरह का प्रोटोटाइप बना के कहीं और करके दिखा है ना, ये केवल गलतफहमी फैलाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें FIR भी दर्ज हुआ, आप सब लोग तो परिचित है इसके बारे में। मैं अपने आप लोगों को भी, देखिए गलतफहमी दूर करना सबकी जिम्मेदारी है, कमीशन की मेन जिम्मेदारी यही है, लेकिन समाज में गलतफहमी बिना आधार का इतनी बार व्यापक रूप से हुआ है। माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे PL हुए हैं, माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद ये माना है कि ये हमारे भारत के लिए शान की बात है।